फिडेक्स एक प्राइवेट टेरर ग्रुप दे आर प्लानिंग अ मैसिव अटैक और उनका टारगेट है इंडिया. दोस्तों, बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान अपनी आने वाली फिल्म पठान को लेकर काफी दिनों से चर्चा का विषय बने हुए हैं. सुपरस्टार की अपकमिंग फिल्म पठान महीनों से विवादों में घिरी हुई है. हालांकि बायकॉट के रुझानों के बीच भी फैंस को मोस्ट अवेटेड फिल्म से काफी उम्मीदें हैं. साथ ही अब नई मीडिया रिपोर्ट्स को देखकर ऐसा लग रहा है कि यही उम्मीदें सही हैं. बता दें कि फिल्म पठान की ओपनिंग डे 25 जनवरी की एडवांस बुकिंग काफी धमाकेदार हो रही है. केवल 24 घंटों में फिल्म की लगभग 2 लाख से अधिक टिकट बिक चुके हैं. दरअसल फिल्म के निर्माताओं ने हाल ही में पठान की एडवांस बुकिंग खोली और फैंस को पागल कर दिया. 24 घंटों से भी कम समय में जासूसी एक्शन फिल्म ने भारत में 2 लाख से अधिक टिकट बेचे. ट्रेड एनालिस्ट फिल्म क्रिटिक तरण आदर्श ने शनिवार सुबह अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर एक अपडेट शेयर कर लिखा, पिछली रात 11 बजे टिकट की बिक्री 2 लाख को पार कर गई. इसी के साथ फिल्म ने 14 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है. ऐसा माना जा रहा है कि एसआरके की यह फिल्म उनकी सबसे बड़ी हिट बन सकती है. इससे पहले तरण आदर्श ने शुक्रवार को राष्ट्रीय श्रृंखलाओं में फिल्म की एडवांस बुकिंग स्थिति शेयर की थी, जहां तक फिल्म ने पीवीआर सिनेपोलिस में कुल 1,71,500 टिकट बेचे. वहीं दोस्तों, फिल्म पठान के बारे में बात करें तो शाहरुख खान लगभग 4 साल के ब्रेक के बाद सिल्वर स्क्रीन पर अपनी वापसी करने के लिए बिल्कुल तैयार है. इस फिल्म में एक्टर जॉन अब्राहम, दीपिका पादुकोण शामिल है. साथ ही यह फिल्म सिद्धार्थ आनंद द्वारा निर्देशित है और वायरअप के बैनर तले बनी है. बता दें कि पठान 25 जनवरी को सिनेमाघरों में हिंदी, तमिल और तेलुगु भाषा में रिलीज हो रही है. वैसे आप पठान को लेकर कितने एक्साइटेड है कमेंट करके जरूर बताना. बाकी और ऐसी पठान से रिलेटेड हर एक अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें.